बिहार में योगी जी का जो तरीका है उसके देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपराध के मामले में लागू करना चाहिए। नीतीश जी को करना चाहिए, नीतीश जी तो अच्छे लोग हैं, मैं तो उठाते ही है भाई साहब, लेकिन सदन में सुनने वाला कोई नहीं है, तब ना सड़क पर बोल रहे हैं। बिहार में लागू नीतीश मॉडल अब भाजपा को रास नहीं आ रहा और यूपी के योगी मॉडल को अब बिहार में लागू करने की मांग बीजेपी के तमाम विधायक सदन के अंदर उठाने लगे हैं। भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने सदन के अंदर सत्र के दौरान योगी मॉडल को बिहार में लागू करने की बात कही और जब उनकी बातों को अंदर नहीं सुना गया तो वो बाहर मीडिया के सामने आकर बोलने लगे कि गाड़ी पलटे तो पलटे लेकिन अपराध पर नियंत्रण लगे। क्या कह रहे हैं भाजपा विधायक, पहले सुने। देखिए, मैं योगी मॉडल की बात नहीं किया, मैंने कहा कि नीतीश जी अच्छे लोग हैं, नीतीश जी की ईमानदारी पर संदेह नहीं हो सकता है। नीतीश जी ने 5 से 10 में जो बिहार को चलाया वो देश विदेश के लिए एक ऐतिहासिक चीज हो गया, वो विश्वसनीय चीज किसी को नहीं था कि बिहार में अपराध समाप्त हो जाएगा, बिहार के अपराधी बिहार को छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरे काम धंधा करना शुरू कर देंगे। आखिर वो चीज 15 से 20 में, 20 से 25 में क्यों नहीं हो रहा है? अपराधियों को दिख गया है कि हमारी सरकार आ गई है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तब ना दिन दहाड़े छात्र का अपहरण हो रहा है, हत्या हो जा रहा है, डॉक्टर साहब गायब है, नहीं मिल रहा, 2.5 लाख का इनाम हो गया, कहीं ना कहीं तो सरकार में शामिल जो कुछ लोग हैं उनको लग गया है कि हमारी सरकार आ गई है। तो ऐसे मामले में योगी जी के यहाँ जब कोई अपराधी मार दे रहा है तो योगी जी सदन में बयान देते हैं और उसके बाद से जो है अपराधी का पता नहीं चलता है, जो जहां है वहीं से रो रहा है। अतीक ऐसे बाहुबली जो है वो बयान दे रहे हैं कि भाई योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम थोड़े बयान दे रहे हैं, अतीक अहमद का बयान है। अरे बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार में योगी जी का जो तरीका है उसके देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपराध के मामले में लागू करना चाहिए। नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी को करना चाहिए, नीतीश जी तो अच्छे लोग हैं, इनको अपने हिसाब से ही करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए क्योंकि अपराध के खिलाफ तो इनका सोच है ही, लेकिन कारण क्या है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इनको इस पर चिंतन करना चाहिए। और कारण अगर जो लोग भी हैं वैसे लोगों को दुरुस्त करने की जरूरत है, कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, गाड़ी पलटे तो पलटे। सदन में उठाएंगे आप? सदन में तो उठाते ही है भाई साहब, लेकिन सदन में सुनने वाला कोई नहीं है, तब ना सड़क पर बोल रहे हैं। सदन में अगर सुनने को कार्य स्थगन लाते हैं तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि नहीं, अमान्य कर दिया गया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश मॉडल बिहार का खराब नहीं है, लेकिन बढ़ते अपराध पर बेहतर तरीके से नियंत्रण यूपी का योगी मॉडल ही लगा सकता है और नीतीश कुमार बेहतर व्यक्ति हैं, उन्हें मेरे सुझाव को ज़रूर मानना चाहिए और योगी मॉडल को अवश्य लागू करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार जो है कहा जाता है कि जो अपराधी हैं वो मर गए क्योंकि गाड़ी पलट गई थी, उनका एनकाउंटर कुछ इस तरीके से होता है। इसी को लेकर पवन जायसवाल ने कहा कि गाड़ी पलटे तो पलटे लेकिन अपराध पर नियंत्रण हो, यानी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं उसी तरह से बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर हो, अपराधियों का खात्मा हो और अपराध खत्म हो, वो भी यूपी की तरह बिहार में, ये मांग है भाजपा की। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना।